आप इसमें से देखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्लास आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखें कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर थर्ड में, एक ये वाला प्रोग्राम इसको रटा लगा लीजिएगा, और इसको रन करने के लिए एक आपको हेडर फाइल बनानी होती थी जो कि ये वाली है, ये वाली 3.2 जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, प्रोग्राम कौन सा रिपीट कर दें, इसको भी आप जो है ना रटा लगा दीजिएगा। कोई स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे हैं, आवाज सही नहीं आई मुझे, जरा लाउडली बताएं। सर आवाज ठीक है, प्रोग्राम ये वाला है जो आपने खोला है इसकी बात कर रहे हैं? मैडम मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रही हैं। ऐसा ऊंचा बोलो। सर मैंने कहा था कि ना ये जो प्रोग्राम है आपने खोला हुआ ये वाला, और आवाज आप ठीक आ रही है, इसको थोड़ा ज़ूम कर दे सर। अच्छा ज़ूम का कह रही है मेरा ख्याल है। जी सर। बेटा ये वो प्रोग्राम है जो मैंने क्लास में भी तो हमारी लास्ट वीक में फिजिकल क्लासेस में जो मैंने दो प्रोग्राम बताए थे आपको, बेसिकली इस प्रोग्राम को रन करने के लिए जो ये प्रोग्राम को नज़र आ, इसके लाइन नंबर 5 पे लिखा हुआ है account.h। तो ये एक हेडर फाइल है जो आपको डिफाइन करनी होती है, तो सबसे पहले हेडर फाइल डिफाइन करेंगे आप, और उसके बाद फिर उस हेडर फाइल को इस प्रोग्राम में हैश इंक्लूड करेंगे, तो फिर ये प्रोग्राम रन करेगा ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है फ्रॉम लाइन 1 to 24 तक। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप इस प्रोग्राम का रट्टा लगा लें, इसको याद कर लें, इसको समझ लें, तो एक तो ये है, और इसको रन करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है वो ये वाली है यहाँ से लाइन नंबर 1, ये यहाँ से शुरू हो रही है फिगर 3.2 पे, पेज नंबर 118 होगा ये वाला ना, इसके लास्ट से शुरू होके और यहाँ तक, ये बेसिकली आपकी हेडर फाइल है, और ये उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में आपकी दूसरा वाला फर्स्ट प्रोग्राम मौजूद है, तो फिर ये जो है ना रन करेगा प्रोग्राम, तो ये लाजमी दो कर लीजिएगा आप, अगर आप जहीन हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। जी सर समझ आ गई है। जी बेटा समझ आ गई है मैंने कहा। अच्छा इसके बाद मैं अब आपको लेके जाना चाह रहा हूँ आइट्रेशन की तरफ, इसी तरफ आइट्रेशन की तरफ, तो इसमें तीन किस्म की आइट्रेशन के तीन लूप होते हैं, क्योंकि अभी मैं इधर रेजिडेंस पे हूँ, आई हैव नो की टेबलेट फॉर राइटिंग, दैट्स वाई मैं लिख के तो नहीं बता सकूँगा, लेकिन यहाँ टाइप करके किसी हद तक आपको मैं बता सकूँगा। उसमें तीन किस्म के हमारे पास आइट्रेशन के लूप होते हैं। आइट्रेशन कहते किसे हैं, सबसे पहले ये चीज़ आइट्रेशन ये होती है कि रिपीट होना एक चीज़ का। बेटा आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा है जिसका नाम है क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल मेथड्स हो गया, या सिम्पसन रूल और ये 1/3 सिम्पसन रूल हो गया, या न्यूटन रैफसन मेथड, ये पढ़े हैं आप लोगों ने अपना मैथ के किसी कोर्स में या न्यूमेरिकल मेथड्स के किसी कोर्स में, आपको होता है ये कोई कोर्स? सर नेम रिपीट कीजिएगा एक दफा। न्यूमेरिकल मेथड या मैथ के किसी कोर्स में आपने ये मेथड पढ़े हैं जिसका नाम सिम्पसन रूल है या न्यूटन रैफसन मेथड है, इस किस्म की चीजें?
नहीं सर, ऐसी तो नहीं पढ़ी। अच्छा आपने नहीं पढ़ी। अच्छा बहरहाल आइट्रेशन को समझाने के लिए मैं आपको जरा यहीं से एग्जांपल दे देता हूँ जो मेरे सामने है। आइट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप एक काम करते हैं, ठीक है, वो काम जो है वो हो सकता है 10 नंबर ऑफ लाइंस पे मुश्तमिल हो। उसके बाद आप उसको कंप्लीट जब करते हैं तो उस लेट्स सपोज जब पहली आइट्रेशन में जब आई की वैल्यू 1 थी तो आपने वो 10 लाइनें जो हैं वो उस पर काम कर लिया। उसके बाद फिर आप 11वीं लाइन पे काम करने के बजाय दोबारा आई 2 करके उसी 10 को दोबारा रिपीट करते हैं, तो ये बार बार इस तरह रिपीट हो। फिर आप जब आई 3 होता है तो उन्हीं 10 लाइन्स को दोबारा रिपीट करते हैं लेकिन आई 3 के रिस्पेक्ट से। इसी तरह आई 4 आई 5 इस तरह आप करते रहते हैं। और इसका करने का पर्पज ये होता है कि फर्ज करें पहली आइट्रेशन में जो मेरा एरर था वो आ रहा था 5, दूसरी आइट्रेशन में मेरा एरर कम होके हो गया 4, तीसरी आइट्रेशन में मेरा एरर कम होके हो गया 3.5, तो एरर को हमने मिनिमाइज करना होता है। चौथी आइट्रेशन के बाद फिर मेरा हो गया लेट्स सपोज 3 एरर जो रह गया, पांचवी आइट्रेशन के बाद मेरा एरर रह गया 2, छठी आइट्रेशन के बाद लेट्स सपोज मेरा एरर रह गया 1, सातवीं आइट्रेशन के बाद मेरा एरर रह गया 0.5। तो जिस एप्लीकेशन के लिए मैंने वो रन करना है लेट्स सपोज उसके लिए जो मैक्सिमम एरर अलाउड है वो 0.5 है, तो इसका मतलब ये कि 7 आइट्रेशन में करूंगा तो मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। पहली आइट्रेशन का आंसर दूंगा वो उस एप्लीकेशन के लिए उस काम के लिए सही नहीं है क्योंकि उसमें एरर बहुत ज्यादा है, एरर था 5 जबकि अलाउड था 0.5, तो मैं क्या करूंगा दूसरी तरह उसको रिपीट करूंगा नंबर ऑफ जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं या जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं या इवन प्रोग्रामिंग में अगर देखा जाए तो इसमें है, तो आप उसको बार बार रन करेंगे। तो ये जो प्रोसीजर होता है ना कि एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा किया, इसे कहते हैं आइट्रेशन। तो कहते हैं आइट्रेशन। फाइन, तो आज मैं आपको जो कराने लगा हूं आइट्रेशन कराने लगा हूं। आइट्रेशन का सी प्लस प्लस या प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग में 3 किस्म के लूप होते हैं। अच्छा ये आइट्रेशन को लूप भी कह देते हैं। कितने लूप होते हैं? 3। उसमें से पहला जो लूप होता है उसको हम कहते हैं फॉर लूप, दूसरे लूप को कहते हैं वाइल लूप। ये देखें ये वाइल लिखा हुआ है इधर, सॉरी ये देख रहे हैं ये वाइल लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे जो होता है वो डू वाइल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डू फिर यहां से वाइल है, डू वाइल। ये 3 किस्म के हैं सर। फर्स्ट कौन सा था? फॉर वाला। इन तीनों का लिखने का अपना अपना अंदाज है, अपना अपना सिंटैक्स है, अपना अपना अंदाज है, अपना अपना सिंटैक्स है। इसमें से आपको किसी एक लूप की भी आइट्रेशन की लॉजिक बनाने की समझ आ गई, फिर अप्लाई कोई भी लूप आप कर सकते हैं, फॉर भी कर सकते हैं, डू व्हाइल भी कर सकते हैं, व्हाइल भी कर सकते हैं। तो कहाँ कौन सा, मैं वैसे मेरी जो आदत है या मेरे कलीग की भी आदत है, अब मैं नॉर्मली यूज करता हूँ फॉर लूप। और फॉर लूप ये सिर्फ ये नहीं कि इसमें सी प्लस प्लस में होता है, फॉर लूप जो है ये मैटलैब में भी होता है। तो वैसे मुझे याद रहिएगा कि आपको मैं इस लेक्चर में मैटलैब भी थोड़ा सा टच दे दूँ क्योंकि ये आखिरी लेक्चर है आज का, तो इसमें मैं ये आपको दे दूँ। तो ये फॉर लूप कहाँ यूज होता है, डू वाइल कहाँ होता है, वाइल कहाँ होता है, इसमें मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूँ। जो होता है ना ये वाला डू वाइल, इसमें पहली आइट्रेशन लाजमी होगी चाहे कंडीशन गलत भी हो। जो वाइल वाला है उसके लिए कंडीशन होगी तभी वो रन करेगा, और फॉर वाला भी जब कंडीशन होगी तभी रन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई ऐसी प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप चाहते हैं कि अगर वो प्रोग्राम में कोई एरर भी है, कुछ भी है, तब भी एक दफ़ा वो लाजमी आइट्रेशन करे, तो आप डू वाइल लगाएंगे, अदरवाइज आप फॉर लगाएंगे। और ये भी बड़ा माइन्यूट सा है फर्क इनमें। तो बेसिकली अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब मैं नेक्स्ट स्टेप से चलता हूँ जो कि इसको समझाने का है कि ये आइट्रेशन मैंने समझा दिया, उसके बाद मैंने ये बताया कि एक फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है और डू वाइल लूप होता है। 3 लूप हैं, ये 3 ही इधर बने हुए हैं तीनों। इसमें से सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पहली लाइन पे। पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम,
यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग, ये हम ऐड करते हैं जहां हमने सी इन या सी आउट करवाना होता है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकॉलन, ये हम उसको यूज करते हैं जिस वक्त हमें सी आउट और सी इन से पहले बार 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 हम चाहते हैं ना लिखना पड़े, एसटीडी डबल कॉलन ना लिखना पड़े, तो हम क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं एक ही दफा। फिर लिखते हैं इंट मेन, ये मेन फंक्शन को कॉल करना होता है, ब्रैकेट, ये इसका सिंटैक्स सही है कि आपने ये सी प्लस प्लस में लाजमी कोई ना कोई एक प्रोग्राम ऐसा होगा जो कि मेन होगा, जो कि मेन होगा। अच्छा जी, तो इसके बाद मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एक लिया आई एक लिया ए, और दोनों को मैंने डिफाइन किया कि इनकी नेचर क्या है, इंट है। इंटीजर को अगर हम लेते हैं तो ये आई थिंक 1 किलोबाइट तक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन अगर हम फ्लॉट या कोई और टाइप लेते हैं ऐसे, बेटा इस सब्जेक्ट में मैं ये फील करता हूँ कि फिजिकल होना चाहिए था, और मैं आपको और मुझे थोड़ा टाइम मिलता तो शायद मैं बहुत सी चीज़ें आपको बता सकता कि इंट है प्लॉट है, ये काफ़ी चीज़ें हैं, मैंने पढ़ा तो बहुत है लेकिन पढ़ाने के लिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल सकता। दूसरी बुक है शाम सीरीज, उसमें से काफ़ी अच्छी चीज़ें ये मेंशन थी। तो बहरहाल इंट जो है ये 1 KB तक स्पेस लेता है। तो जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं शुरू में तो आपको ये होता है कि चाहे मेमोरी ज़्यादा भी लगे, आप बस प्रोग्राम रन करना चाहिए जो बेसिक लेवल होता है, और आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर किसी का इसमें इंटरेस्ट है, आपके फेलोज में से आपने से किसी का इंटरेस्ट है, उसके बाद फिर एक प्रोग्राम सही तो है लेकिन हमने अब उसको एफिशिएंट बनाना है इन वेज ऑफ जो उसका कंपाइलिंग टाइम है वो मिनिमाइज हो, प्लस ये कि जो मेमोरी पीछे अलॉट हो रही होती है, मेमोरी कहाँ अलॉट हो रही है ये मैंने जैसे बताया था बड़ा डिटेल में बताया था कि जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं बेसिकली वो वेरिएबल यहाँ तो नाम होता है लेकिन पीछे बेसिकली एक स्पेस होती है जो अलॉट हो रही थी कंप्यूटर के अंदर। अच्छा प्रोग्राम वो होगा जो कम से कम मेमोरी यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे, प्लस ये कि उसकी ये नंबर ऑफ लाइन जो है ये अब यहाँ 13 बनी हुई है इस प्रोग्राम की, ये नंबर ऑफ लाइन आप जितनी कम करें इतना कम्प्लेक्स यानी बज़ाहिर या ये कह लें कि नंबर ऑफ थिंग्स एक ही लाइन में अगर आप कर लें तो ये प्रोग्रामिंग अच्छी है आपकी। तो मेरा भी अभी ये लेवल नहीं है प्रोग्रामिंग का कि मैं ये क्लेम करूं कि मैं बहुत एफिशिएंट बना सकता हूं कंप्यूटेशनली और मेमोरी वाइज, ये मेरा अभी क्लेम नहीं है, लेकिन जो प्रोग्राम रन करना चाहिए या जैसे बेसिक ये प्रोग्राम है इनको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो थोड़ा सा इस एंगल से फिर देखता है चीज़ों को या देखती है जो भी प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, और फिर वो जितना एक्सपर्ट होता है फिर आगे उसकी उसी तरह वो बड़ी अच्छी जॉब और चीज़ें और सारी चीज़ें चलती है, और हर बंदे का अपना काम करने का अंदाज होता है। जैसे इस प्रोग्राम में देखा जाए तो कोई कमिट नहीं है, लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि आप कमिट्स लिखें ताकि आप अगर 2 महीने बाद उस प्रोग्राम को पढ़ें तो आप अपने ही प्रोग्राम को समझ सकें कि इसमें मैंने ये क्या चीज़ें लिखी थी और कैसे लाजमी बनाई जी। ये सारी चीज़ के बाद मैं अब ये अर्ज कर रहा था कि इंट आई और ए ये 2 मैंने वेरिएबल डिफाइन किए जो कि इंटीजर टाइप के थे। इसमें से आई जो है वो बेसिकली मेरी लूप को रन करने के लिए है, ये आई जो है कंडीशन करेगा, और ये कैसे करेगा ये मैं अभी बताता हूँ आपको। अच्छा, इसमें दूसरा मेरा वेरिएबल है ए। ए क्या है, वो बेसिकली एक वेरिएबल है जो कि इनपुट कर रहा है जो कि यानी लाइन नंबर 8 में सी आउट इंटर एनी नंबर, तो क्या होगा सी ये ए आपकी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ये आउटपुट स्क्रीन पे एंटर हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आउटपुट स्क्रीन पे जो यूजर है वो कोई ना कोई नंबर देगा एनी नंबर, करो वो 2 नंबर करता है, वो 2 नंबर स्टोर किस में होगा, वो इस वेरिएबल में होगा जो इसके जस्ट बाद हमने डिफाइन किया है सीन, यानी यहाँ से जो आउटपुट आ रही है वो हम स्टोर करा रही हैं एक मेमोरी के अंदर, और उस मेमोरी का जो वेरिएबल नेम है वो ए है इस केस में। तो ए के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा जो इंटर करेगा, एक वेरिएबल हमने यूज कर लिया। अब आते हैं फार पे। फार जो होता है ये एक लूप होता है, और ये याद रखिएगा फॉर लूप जो होता है जैसे ये है, इसमें मैंने यहाँ ये ब्रैकेट यूज नहीं की, वरना तो ये ब्रैकेट यूज होनी चाहिए।
ऐसे ब्रैकेट होनी चाहिए अगर, यानी ये फॉर लूप की ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट की फॉर लूप है और ये वाली ब्रैकेट मेन आपके फंक्शन की है। तो फॉर लूप की ये जो ब्रैकेट हैं, ये इसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो उतनी दफा रिपीट होंगी जितनी हमने कंडीशन लगाई होगी। जैसे इस केस में मैंने शुरू में आई को इनिशियलाइज कराया वन, तो आई के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, आई एक वेरिएबल है उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा वन। और फिर मैंने कंडीशन ये दी फॉर की कि ये उस वक्त तक रन करे जब तक कि आई टेंस के इक्वल या उससे लेस रखता है। इसका मतलब यह अगर आई वन है तो ये लूप कितनी दफा चलेगा, 10 टाइम्स। आई जब वन है तब भी ठीक है कंडीशन चलेगा, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन है, टेन, तो इसका मतलब ये लूप 10 दफा चलेगा। और ये है प्लस प्लस आई, इसका मतलब ये होता है कि आई ये इसी के इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, उसी के इक्वल है ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन जो है प्लस प्लस आई, ये उसी के इक्वल है जो कि आपका आई इज इक्वल टू आई प्लस वन का होता है। इससे होता क्या है, जैसे ही एक कैलकुलेशन कंप्लीट होगी इस आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली तो बहुत बढ़ जाएगी। जैसे ही पहली आइटरेशन कंप्लीट हुई फिर आई की वैल्यू हो जाएगी टू, फिर हो जाएगी थ्री, इस तरह चलता रहेगा ये और सॉन। अब आ जाते हैं इस लाइन पे। अच्छा थोड़ा सा मैं ये बताने लगा था आपको कि मैंने ब्रैकेट इस शुरू में नहीं थी, अगर आपके पास सिर्फ एक लाइन की स्टेटमेंट है तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन दो या तीन या चार या उससे ज्यादा मतलब लाइनें हैं तो फिर आप कोशिश करें कि फॉर लूप की भी ब्रैकेट हो। गॉट इट? अगर फॉर है उसके बाद जस्ट पहली वाली जो लाइन है, एक स्टेटमेंट है, जस्ट उसको आपने रिपीट करना है, फिर ब्रैकेट बगैर भी हो जाएगा। तो मैं एडवाइस ये करूंगा आप ब्रैकेट यूज करें ताकि कोई एरर ना आए, और इसमें रिटर्न जीरो लिखा है ताकि जाना वो ना दे। इसको अगर मैं फर्ज करूँ वो करता हूँ, कंपाइल कर लेता हूँ, एरर जीरो है, वार्निंग भी जीरो है। अच्छा ये पहली दफा कंपाइल करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसको जैसे अभी मैं कंपाइल करता हूँ दोबारा, अब आप देखते हैं कि ये बहुत जल्दी कंपाइल कर लेते हैं। पहली दफा ज्यादा टाइम लगता है, दूसरी दफा देखें 2.08 सेकंड में इसने कंपाइल कर दिया। अच्छा जी अब इसको मैं करता हूँ रन, F10 या रन जो है ना वो करता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया हुआ क्या हुआ, ये कि जो हमारा कंपाइलर था वो किस लाइन पे गया, उसने इस लाइन को रीड किया, तो आईओ स्ट्रीम वाली जो भी लाइब्रेरी थी जब हम इंस्टॉल करते हैं तो सी ड्राइव के अंदर या इंस्टॉलेशन ड्राइव के अंदर हमारे वो पड़ी होती है आई स्ट्रीम की लाइब्रेरी पड़ती है। जैसे उसने वो रिकॉल की तो उसके बाद इनपुट आउटपुट करना ये कंपाइलर समझ सकता है, अगर ये इंक्लूड ना करते तो कंप्यूटर समझ ही ना सकता नीचे लिखा गया है। उसके बाद मैंने ये वाला था, इससे ये एसटीडी ये सीन से आउट से पहले एसटीडी में लिखना पड़ेगा। उसके बाद इंट मेन जिसने ये मेन फंक्शन है ये ड्राइव करना शुरू किया, उसके बाद यहाँ कंपाइलर गया उसने मेमोरी के अंदर, जैसे मेरे कंप्यूटर की जो रैम है उसके अंदर जाना आई और ए के लिए स्पेस अलॉट कर दी उसने स्पेस, जैसे ये मैंने कंपाइल किया तब ये अलॉट हो गई। अच्छा जी उसके बाद फिर जब 8th लाइन पे गया कंपाइलर तो उसने यहाँ कहा सी आउट करा दें क्या चीज़ इंटर एनी नंबर और ये डबल डॉट जो कि कॉलन कहलाता है, तो ये अब ये 8th लाइन तक हो चुका है। अभी 9th लाइन पे कंपाइलर नहीं गया, ये अभी हम रन कर रहे हैं, रन करते हुए कंपाइलर 9th लाइन पे नहीं गया। अब मैं यहाँ फर्ज करूँ 2 इंटर करता हूँ, जैसे ही मैं 2 इंटर करूँगा तो ए के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 2, ए के अंदर 2 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये लूप कितनी दफा चलना है मैंने बताया 10 टाइम्स चलना है। फिर हम आते हैं इस लाइन को रीड करते हैं, अभी ये मैं इंटर करने से पहले ये समझाना चाह रहा हूँ सी आउट में क्या आएगा स्लैश एन, स्लैश एन का मतलब ये कि जो यहाँ कर्सर था यानी यहाँ था ये इधर चला जाए आउटपुट में, स्लैश एन का मतलब नई लाइन होता है शायद आपको याद हो, एंड एल भी यही काम करता है। इसके बाद सी आउट कराएं 2, मतलब ए के अंदर क्या स्टोर है 2, फिर जनाब क्या प्रिंट होगा ये वाला, ये सी आउट जो मेमोरी है उसके अंदर से वैल्यू उठा के करेगा, ए को नहीं प्रिंट करेगा यहाँ इस लाइन में 12 नंबर लाइन पे, स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन पे चला गया यानी कर्सर यहाँ चला जाएगा। उसके बाद ए का मतलब क्या है, मैंने अगर फर्ज करो इंटर किया है यहाँ 2 तो ए के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 2, तो ये यहाँ प्रिंट करेगा 2, फिर आ जाएगा ये वाला स्टेरिक, फिर आ जाएगा आई, आई पहली दफ़ा क्या है 1, तो ये बेसिकली लिखा जाएगा 2 स्टेरिक 1,
फिर क्या प्रिंट होगा, टू सॉरी इक्वल इक्वल कलाइंस, तो टू स्टेरिक वन इक्वल, फिर क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू के बाद क्या आएगा टू एंड वन की मल्टीप्लीकेशन आती है, टू मल्टीप्लाई बाई वन क्या होता है बेटा, तो आंसर दे दे टू सर टू। ये अब एक आइटरेशन होगी, उसके बाद ये यहाँ जाएगा इस लाइन पे, जैसे इस लाइन पे जाएगा उसे पता है फॉर लूप है, ये इधर चला जाएगा दोबारा, जब यहाँ जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी है बेटा, सीआर के अलावा कोई और भी बताए, फिर टू टू से मल्टीप्लाई होगी, नहीं मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, कंडीशन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टू जो है टेन से कम है, इसका मतलब वो इस लूप के अंदर चला जाएगा, इस लूप के अंदर जाके यहाँ सिलेक्शन का मतलब क्या होगा कि दोबारा ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, यानी यहाँ अगर प्रिंट हुआ था टू स्टेरिक वन इज इक्वल टू टू, तो कर्सर यहाँ मौजूद था, अब कर्सर फिर नीचे चला जाए तीसरी लाइन पे, तीसरी लाइन पे जाने के बाद ए के अंदर अब क्या मौजूद है ये बेटा कोई बताएगा, टू सर टू टू स्टेरिक, और आई के अंदर क्या स्टोर है इस वक्त, जी वन सर जी बेटा वन, बेटा आवाज क्लियर नहीं, थोड़ा लाउडली बताएं, वन सर वन बेटा वो तो पहली आइट्रेशन पे था, इस वक्त हम कौन सी आइट्रेशन पे हैं, पहली आइट्रेशन पे वन था, लेकिन जब दूसरी आइट्रेशन पे जाएंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी टू हो जाएगी, टू हो जाएगी, टू हो जाएगी, टू स्टेरिक टू, और ये इक्वल आ जाएगा ए के अंदर क्या स्टोर है, ए के अंदर टू है हमारे पास, और आई के अंदर क्या है टू, तो टू मल्टीप्लाई बाई टू क्या आंसर आएगा फोर, फोर, फिर जनाब ये दोबारा जाएगा, फिर इधर आएगा, इधर आने के बाद अब आई की वैल्यू होगी थ्री, कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर चला जाएगा सिलेक्शन, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा कर्सर, ए के अंदर क्या है, ए के अंदर हमारे पास टू है और आई के अंदर थ्री है, थ्री है, तो ये टू स्टैटिक थ्री इज इक्वल टू ये टू इंटू थ्री सिक्स हो जाएगा, इसी तरह चौथी पांचवी छठी सातवीं इस तरह ये हो जाएगी, कितनी दफा हो गई है, जितनी दफा हमने ये कंडीशन बताई है, ठीक हो गया, अब मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, देख रहे हैं टू स्टैटिक टू 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 स्टैटिक वन टू आ गया, और इस तरह ये प्रिंट हो गया टेबल ऑफ टू, ये क्या प्रिंट हुआ है टेबल ऑफ टू, तो अगर ये मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जो है टू का टेबल प्रिंट करें तो आप इस तरह कर सकते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि थ्री का टेबल प्रिंट करना है, थ्री का टेबल प्रिंट करना है, फिर क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे इसको दोबारा रन करेंगे, रन करने के बाद अब मैं एंटर कर देता हूँ थ्री, तो थ्री का टेबल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसी में यार आपसे ये पूछूं कि मैंने थ्री का टेबल टेन की बजाय ना ट्वेंटी तक प्रिंट करना है, फिर मैं क्या करूँगा, क्या चेंज करूँ हो जाएगा, ये इसी प्रोग्राम में क्या चेंज करूँ कि ये ना ट्वेंटी तक हो जाए, सर जब जहाँ पे हमने लिखा हुआ ना आई इज इक्वल टू टेन, वहाँ पे वो टेन की जगह हम लोग ट्वेंटी कर देंगे, यस सर लाइन नंबर टेन में ना, इसलिए मैं ट्वेंटी कर देता हूँ, जैसे ही बेटा मैंने ये चेंज किया ना, ये याद रखिएगा, ये अभी ना मुझे दोबारा कंपाइल करना चाहिए, जी ये मुझे दोबारा कंपाइल करना चाहिए, मैं इसे कंपाइल करने लगा ताकि वो चेंजेस को उठा ले, अगर हम कंपाइल किए बगैर करते हैं तो वो जो इसकी रैम है उसके अंदर वो पिछली वाली वैल्यू ले रहा है, चाहे मैंने यहाँ ट्वेंटी लिख भी दिया वो पिछली वाली वैल्यू उठा रहा होता है, ये कंपाइल कर लिया, अब मैं यहाँ जाऊँगा दोबारा रन करूँगा, जैसे ही मैंने इसको रन किया, अब फर्ज करो मैं कहता हूँ मैं टेबल फाइव का प्रिंट करता हूँ, तो ये कितनी टाइम्स हो जाएगा, ट्वेंटी टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अच्छा अगर मैंने ये तो है कोई एनी नंबर इज इंटर बाई द यूजर, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं मैं यूजर से लेने की बजाय नंबर मैं कहता हूँ आप वैसे खुद लिख दें, आप खुद लिख दें सर, तो फिर हम एंटर एनी नंबर की जगह फिर हम कोई मतलब उसको वैल्यू दे देंगे ना, वैल्यू दे देंगे, अब इसका मतलब ये होगा कि ये वाली जो थी लाइन ये मैंने कमेंट बना दिया, कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, जहां जहां ए है उसकी जगह मैं क्या इंटर कर दूंगा नंबर, अगर मुझे पता है फर्ज करो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 10 का 10 नहीं लेट्स गो 7 का टेबल करना है प्रिंट, 7 मैंने यहां लिखना है और 7 ही फिर मैंने यहां लिखना है, अब मेरा ये प्रोग्राम में वेरिएबल कितने रह गए हैं, वेरिएबल 1 आई आई रह गया है, और इससे पहले वाले प्रोग्राम में क्या था
दो थे हमारे पास, ए और आई। जी, बिल्कुल सही। अब मैंने क्योंकि ये चेंजेस किए तो मैं इसको रन करने की बजाय क्या करूँगा, पहले पहले कंपाइल फिर कंपाइल करूँगा। है। जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया उसके बाद अब मैं इसके रन करने लगा हूँ। जैसे ही मैं रन करता हूँ 20 टाइम्स हो जाता है। अब देखिए इसने मुझसे नहीं पूछा कि कौन से का करना है, क्योंकि अब मैंने दे दिया। तो बेटा अगर मैंने आपसे ये कहा हो 2 का टेबल प्रिंट करें, तो फिर आप यूजर से वैल्यू लेने के बजाय खुद खुद वैल्यू देंगे। जी से वैल्यू दे देंगे, यानी सिर्फ एक वेरिएबल में आप क्रिएट करेंगे। जी अगर आप यूजर वाला लिखते हैं फिर आपको मतलब ये है कि यूजर 2 ही प्रिंट करे तभी 2 का टेबल बनेगा। अच्छा अगर मैं कहूँ ये मैंने 5 टाइम्स करना है 20, तो फिर क्या हो जाएगा? तो ठीक है, 5 टाइम्स तो तो रन करूंगा ये। अच्छा ये देख रहे हैं कि मैंने ये क्या लेकिन चेंजेस की थी और उसको कंपाइल नहीं रन किया था, करके तो कंपाइल नहीं किया, वो कंपाइल नया नहीं किया था, तो जो पुरानी वैल्यू थी वही पड़ी थी रैम के अंदर, तो इस वजह से इसने 20 तक कर दिया। लेकिन अगर इसको मैं पहले कंपाइल कर लूँ तो ये देखें ये यहाँ स्टैटिक पहले आया हुआ था वो स्टैटिक भी खत्म हो गया, इसका मतलब इसने सेव भी कर लिया और अब ये लेटेस्ट वाली वैल्यू ये इसने रैम में उठा ली है। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि पहले आप वो करें कंपाइल कंपाइल तो फिर। बेटा ये जब आपको मैंने समझा दिया है तो अब चीज रह गई है ये वाली। अब आप जाते हैं उसके वाइल लूप में। वाइल लूप का बेटा सिंटेक्स क्या होता है? वाइल लूप में सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएगी सिर्फ एक कंडीशन आएगी। अगर आप फॉर लूप में देखें तो तीनों चीजें कि आई की वैल्यू इनिशियल क्या है, आई की कंडीशन क्या है और आई में इंक्रीमेंट जो है, ये तीनों एक ही लाइन में लिखा होता है फॉर में। और शायद इसी वजह से जो मैं हूँ या मेरे क्लीग हैं वो जो है फॉर लूप ही यूज करते हैं। मैंने भी अपने जो थीसिस था एमएस का उसमें फॉर लूप ही यूज किया था, वरना करने को तो वाइल लूप ही किया जा सकता है। लेकिन वाइल लूप में बंदे को भूल जाता है अगर प्रोग्राम, जैसे मेरा प्रोग्राम जो है वो मेरे ख्याल से 150 लाइनों पे था, तो अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है उसमें बंदे को भूल जाता है कि मैंने ये कंडीशन आई प्लस प्लस कहाँ डालनी है। जैसे ये देखे ना इसमें इस सबसे आखिर में इधर डालनी होती है, लेकिन अगर ये कोई 150 लाइन होती है शायद मैं भूल जाता। इसलिए शायद इस एरर से बचने के लिए हम लोग जो है ना ये हैबिट बना लेते हैं कि फॉर लूप यूज करते हैं। लेकिन आप क्योंकि इनिशियल हैं, आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन पढ़ाना है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि वाइल लूप कैसे लगता है। तो वाइल लूप का सिंटैक्स ये कहता है, बाकी सारी चीजें वही हैं, सिर्फ सिंटैक्स ये कहता है आई कंडीशन यहाँ लिखेंगे और इनिशियल आप शुरू में यहाँ करा लेंगे, जैसे ही आपने इंटीजर डिफाइन किया उसके बाद आपने यहाँ उसको इनिशियलाइज वाइल लूप से पहले करेंगे। आप वाइल लूप के बिल्कुल सामने जो है कंडीशन लिखेंगे और यहाँ ये देख लें कि यहाँ मैंने सेमी कॉलन नहीं डाला, ये याद रखें। सेमी कॉलन की बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं और आपको तो वैसे भी हार्ड में उतना होता है तो उसमें आपको एरर नहीं पता चलेगा, लेकिन वो मार्क्स काट देता है बहुत ज्यादा, क्योंकि सिंटेक्स को सबसे अहम चीज है। तो आप सिंटेक्स का ख्याल रखिएगा, अगर आपने यहाँ किसी बच्चे ने यहाँ अगर सेमी कॉलन डाल देते हैं तो फिर और वो अरे कुछ बच्चे प्रोग्राम का अगर एरर बनता है तो वो फिर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे उस चीज के। यानी अगर 10 नंबर हैं 2 नंबर तो एक लाइन में एक सिंटेक्स एरर के चले जाएंगे। तो इस तरह अगर टोटल 10 लाइन है उसमें से आप 5 में अगर एरर कर देते हैं तो 0 मार्क्स तो इधर ही हो जाएंगे आपके। तो कोशिश करें कि आप सिंटेक्स को अच्छी तरह याद कर लें। मैं समझा बड़ा सिंपल रहा हूँ, लेकिन ये समझा इसलिए सिंपल रहा हूँ कि आपकी फिजिक्स की एप्लीकेशन में कहीं भी आप इसको बाकी अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता, वैसे तो पहली चीज़ ये कि ये सब्जेक्ट पढ़ाना मैं बिल्कुल मैंने नहीं कहा था मैंने पढ़ाना है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर की ये एक्सपर्टीज नहीं होती नॉर्मली, ये मैंने नहीं कहा था कि मैंने पढ़ाना है। लेकिन अगर फर्ज करें मैंने पढ़ाना होता और मेरे पास सिर्फ एक यही सब्जेक्ट होता तो मैं बाकी उसको इम्प्लीमेंट करता कि बेटा आपके 4 सालों में जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं उसके इस सब्जेक्ट की इस जगह आप इस चीज को मैनुअल के बजाय प्रोग्रामिंग के थ्रू ऐसे कर सकते हैं, ये इनशाला मैंने आपको बता देना था। लेकिन अभी तो मैं अपना कोर्स ही नहीं कम्प्लीट करा सका और ये भी बस वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में आने के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला लेक्चर में कुछ चीज़ें तो होंगी लेकिन वो एग्जाम में इंक्लूड नहीं होगा, इसके बाद वाला लेक्चर जो है वो एग्जाम में, लेकिन शायद मैं अपलोड कर दूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, किसी का इंटरेस्ट बने तो वो एटलीस्ट कर सके। इसी तरह पाइथन वाली चीज़ें वो फिर शायद मैं जो ना अपलोड कर दूँ, वो भी अगेन एग्जाम तो उससे पहले हो चुका होगा, तो अगर किसी का इंटरेस्ट हो इसमें जाने का तो वो इस तरह जा सकता है। अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा था फॉर लूप का सिंटैक्स में इनिशियलाइज कंडीशन और इंक्रीमेंट ये एक ही लाइन में आ जाता है। वाइल लूप में इनिशियल आपने वाइल से पहले करवाना है, ऑफ कोर्स उसको डिफाइन मतलब ये यहाँ हमने डिक्लेयर किया ना, डिक्लेयर के बाद इनिशियलाइज होता है लेकिन इस वाइल लूप से पहले होगा। कंडीशन इसके सामने आएगी और इंक्रीमेंट
ये लाइन है इसके जस्ट बाद होगा। अगर ये इंक्रीमेंट यहाँ सी आउट से पहले कर देते हैं फिर आपका प्रोग्राम का मेरा ख्याल है गलत हो जाएगा। वजह ये कि यहाँ आई अपडेट हो चुका होगा और यहाँ पहली दफा जब चलेगा तो आई की वैल्यू टू हो चुकी होगी, इसका मतलब यानी टू इंटू वन वाली लाइन आएगी नहीं, वो एरर आ जाएगा। इसलिए इसकी तरतीब जो सीक्वेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में। तो पहले आप सी आउट ही लिखेंगे और सबसे आखिरी वाली यानी ये ब्रैकेट बंद होने से जस्ट पहले, वाइल लूप की ब्रैकेट बंद होने से जस्ट पहले आप आई इक्वल टू आई प्लस वन लिखेंगे। ये इसका वही मफहूम है जो कि इस प्लस प्लस आई का था। तो आई थिंक यहाँ अगर आप प्लस प्लस आई भी लिखें तब भी वही बात होगी। इसके बाद इसको रन कर लें तो हमारे पास उसी तरह रन हो जाएगा। सबसे पहले मैं कंपाइल करूंगा, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद मैंने इसको रन किया, जैसे मैंने इसको रन किया तो फिर आप वो करेंगे इसमें इंटर कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं अगेन टू की वैल्यू इंटर करता हूँ, जैसे मैं इंटर करूंगा तो ये कितनी दफा प्रिंट हो गया, 10 टाइम्स। और अगर मैं ये कहता हूँ मैंने 5 टाइम्स 7 टाइम्स करना है तो मैं यहाँ चेंज करूंगा, 7 टाइम प्रिंट करा तो 10 की जगह फिर हम 7 कर देंगे, 10 की जगह पे 7 लिख देंगे। लेकिन अगर 10 की जगह मैं 70 लिख दूं फिर क्या होगा, तो 70 टाइम हो जाएगा। पहले मैंने कंपाइल किया, अब मैं इसको रन कर रहा हूं। रन करने के बाद मैंने यहां इंटर किया लेट्स सपोज 3, जैसे मैं इंटर करता हूं ये कितनी दफा हो जाएगा, ये 70 टाइम्स। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए था, वैसे अगर बंदा हाथ से करने लगे तो ये 70 टाइम करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यही एक ब्यूटी है कंप्यूटर की, खासतौर पे ये 20वीं सदी और 21वीं सदी की, कि आपके बहुत से काम जो कि एक ही नेचर के होते हैं आप कंप्यूटर को थोड़ा सा ट्रेन कर देते हैं ये इतना परफॉर्म करना है तो वो ईजीली परफॉर्म कर देता है। सपोज मैं दोबारा इसको 10 करके और फिर जनाब कंपाइल करता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं यहाँ फर्ज करो लिखता हूँ 3, तो ये कितना टाइम लिखा जाएगा, 10 टाइम्स। लेकिन अगर फर्ज करें मैं गलती ये करता हूँ कि ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से उठा के शुरू में ले जाता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ यहाँ, तो फिर इससे क्या एरर आना चाहिए। देखें इसमें सिंटैक्स एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर है। लॉजिकल मतलब ये कि जो सीक्वेंस ऑफ लॉजिक यूज मतलब पहले क्या होना चाहिए बाद में क्या होना चाहिए वो मसला है। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो अब ये कितनी दफा चलेगा प्रोग्राम, ये हमारा 10 टाइम्स 10 टाइम्स। लेकिन प्रिंट कितनी दफा होगा, प्रिंट अभी करके देखते हैं हम। 2 अगर मैं इंटर करता हूं तो क्या हुआ, ये 10 टाइम्स रन किया, लेकिन पहली इनिशियल जो रन किया उसमें क्योंकि आई पहले ही बढ़ चुका था तो ये 2 से हो, लेकिन मेरा प्रोग्राम गलत हो गया। अगर टीचर को कहना 2 का टेबल प्रिंट करें तो ऑब्वियसली 2 × 1 से ही है वो स्टार्ट, और 2 × 10 तक जाना चाहिए, लेकिन 2 × 11 तक अगर ले आप, यानी ये क्या गलती हुई है कि आई यहाँ ले गए, तो आई कहाँ होना चाहिए। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ से वो करता हूँ अब दोबारा इसको मैंने ठीक कर लिया है, इसको ठीक करने के बाद मैं अब रन करता हूँ, अब ये बिल्कुल सही रन होगा। आई थिंक मैंने आपको किसी हद तक आइडिया दे दिया। आखिरी लूप है जी डू वाइल का। डू वाइल में भी हमने करना क्या है, वही 2 इंटीजर लिए, इंटीजर लेने के बाद हमने ये किया। इसमें होता ये है कि आप पहले डू करके सारी चीज़ें लिखते हैं और कंडीशन आखिर में आती है। वाइल में कंडीशन शुरू में थी, अगर आप देखें कंडीशन शुरू में थी तो कंडीशन फुल ही फिल होगी तो वो अंदर जाएगा लूप में। इस लूप का मजे की चीज़ ये है कि वो एक आइटरेशन लाजमी कर देता है उसके बाद कंडीशन देखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्रोग्राम ऐसे आप चाहते हैं एक दफ़ा लाजमी रन करे एक दफ़ा, और अगर कंडीशन नहीं भी पूरी हो रही तो पहले आपका कंपाइलर इस लाइन पर आएगा, फिर इस लाइन पर आएगा, इस पर आएगा, फिर जब देखेगा कि कंडीशन घुसता है या नहीं तो इस तरह फिर रन करेगा। तो अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, आई थिंक इसमें फर्दर बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं इसको रन कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल के बाद रन करता हूँ। रन करने में इसने फिर मुझसे पूछा कि कोई नंबर इंटर करें, लेफ्ट में 2 करता हूँ, प्रिंट करूँगा 2 × 10 हो जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करो मैंने आई को इनिशियलाइज मैं आई को करा देता हूँ 5 से या 6 से, 6 से मैं इनिशियलाइज करा दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा जी बेटा, कोई बताएगा। सर 6 से वो मतलब हमने उसको एक नंबर दे दिया है ना, मतलब जैसे हमने पहले एंटर का नंबर आया था ना, वहां पे ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा वहां पे। एक मिनट बेटा, एक मिनट जस्ट, आप अभी मैं आपकी बात सुनता हूं जी बेटा, आप बताएं क्या करें।
सर मैं कह रही थी कि अब ना हमने मतलब वहाँ पहले हमें हमारे पास आ रहा था ना रन करने पे कि इंटरव्यू नंबर, मतलब कोई नंबर एंटर करें, अब हमारा हमने नंबर दे दिया है, सिक्स दे दिया, तो वो सिक्स का ही टेबल हमें देगा। नहीं बेटा, आई जो है वो आपकी आइट्रेशन वाला वेरिएबल है, एक ही जगह अगर मैंने इंटर किया होता ना फिर होना था। अच्छा अच्छा सही सही, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ना ये समझी थी वो, मतलब अब ये होगा कि हमारा सिक्स से स्टार्ट होगा ना कि बेटा आप बाकी बोल रही हैं, किसी और को भी बाकी क्लास को पार्टिसिपेट करने देना, ऑनलाइन क्लास में मुझे नहीं पता बाकी समझ समझ आ रही है नहीं। सीआर आप बताएंगे अब ये मैंने जब आई इक्वल टू 6 पुट किया तो फिर इससे क्या होगा? जी हेलो सीआर, यस सर, जी अब बताएं आई इज इक्वल टू 6 मैंने पुट कर दिया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आई जूर पशेमा होना वन कर वहां से दोबारा बताएं, मुझे आवाज सही नहीं आ रही, दोबारा बोले। जी बेटा सर आई थिंक उनके नेट इशू है, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। अच्छा चले मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। अच्छा स्टूडेंट तो काफी ज्यादा है हमारे पास। रोल नंबर 76, जी आप बताएंगे? जी बेट 76 आप बताएंगे, अगर मैंने आई 6 लिख दिया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? सेवेंटी सिक्स आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा 82 ने लेफ्ट कर दिया कि नेक्स्ट नंबर उसका आ रहा था, 86 ने लेफ्ट कर दिया। सर मेरी बात, सर मैं बताती हूँ बस ना, मींस कि जब हम स्टार्ट करते थे तो हमारे पास ये होता था कि 2 1s are 2 होता था, मतलब कोई भी नंबर, मतलब लेकिन इसमें ये होगा कि हमारे पास 2 6 से स्टार्ट होगा। सर आपको समझ आ रही है, बाकी को मैंने पढ़ाना ना ऐसे क्लियर से वो लेफ्ट कर गए। अच्छा 145 है हमारे पास फ्रेंड? जी सर है 5 जी सर 145 आप सुन रहे हैं हमें? 130 125 111 111 97 98 अच्छा चलो मैं इधर अटेंडेंस लेता हूँ 76 83 85 अगर आप प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कीजिएगा। प्रेजेंट सर। और 85 भी प्रेजेंट है? यस सर। बेटा मैं ये आप लोगों से पूछ रहा था, ऐसे पहले मैं प्रेजेंट है वो कंप्लीट कर दूं। 83 85 87 प्रेजेंट, 89 प्रेजेंट, 97 97 नहीं है, 98 102 प्रेजेंट सर, 103 प्रेजेंट सर, 111 प्रेजेंट सर, 125 प्रेजेंट सर, 130 यस सर, 145 प्रेजेंट सर। अच्छा अच्छा बेटा ये 111 जो है देखा जाए तो ये हेक्सा 1 है, हेक्सा 1 19 हेक्सा 1 फिजिक्स 19 हेक्सा 1। बेटा आप से मेरा सवाल है, इस स्क्रीन पे मैं जा रहा हूँ ज़रा देखिएगा, मैंने ये अर्ज की है कि अगर मैं आई को इनिशियलाइज 6 करा देता हूँ तो इस प्रोग्राम में क्या फ़र्क पड़ेगा? ये वैसे सब्जेक्ट बड़ा मज़े का है अगर इंटरैक्टिव वे में पढ़ाया जाए, और ऑफ कोर्स इंटरैक्टिव ही हम पढ़ा सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं हो सकता, यानी इंटरैक्टिव मतलब ये कि दरमियान में पूछा जाए या किया जाए, और फिजिकल लैब के अंदर हो तो बहुत ही बेहतर है, वो हो नहीं पाया ज़्यादा चीज़।
111 आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आई को 6 कर देता हूं तो इससे फर्क क्या पड़ेगा ये बेटा? सर जो कीमत दी होगी ना उसे 12 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। लेट्स सपोज मैं ए के अंदर 2 इंटर कर रहा हूं तो प्रिंट क्या होगा? अगर मैं इसको कंपाइल करूं, कंपाइल हो गया, अब इसके बाद मैं ये रन करने लगा हूं, अब रन होगी सर। जैसे ही मैं यहां पर करो 2 इंटर कर देता हूं तो फिर इसमें क्या फर्क पड़ेगा? 24 आएगा आंसर सर। क्या चीज? 24 आएगा आंसर। आंसर 24 आएगा? कैसे पता चला बेटा? कौन सी लाइन पे रीड करते हुए आप 24 बता रहे हैं? देखिए 8th लाइन पे आई 6 है, 9th पे ये सी आउट हो गया, एंटर एनी नंबर, वो मैंने 2 एंटर कर दिया। ये किसके अंदर स्टोर हुआ, किस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ? ये बेटा किस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ? ये जो मैंने ये 2 एंटर किया, ये किस वेरिएबल में स्टोर होगा? ए में सर। 111 बेटा आपसे पूछ रहा हूँ, ए के अंदर। 111 आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा वैसे मुझे ये बहुत मतलब मैं डिस्करेज करता हूँ कि जिससे पूछा जाए उसके बजाय कोई और आंसर दे। लास्ट टाइम मैं वो एक स्टूडेंट से मैंने कहा, नाम लेके मैंने कहा कि आपसे ये सवाल है, किस दूसरे ने कहा, मैंने उसे ये कहा कि आपका ये नाम हो चुका, मैंने कहा आप इंजीनियर बन रहे हैं, जरा मेंटली शार्प भी हो थोड़ा सा। उसके बाद बहरहाल क्लास में बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया। अब मैं ये 111 से ये पूछना चाह रहा हूँ और उसको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आई 6 पुट कर देता हूँ तो फर्क क्या पड़ेगा? नहीं समझ आ रही आई 111? नहीं सर। अच्छा चलो मैं समझाने लगा हूँ। होगा ये कि ए के अंदर स्टोर हो गया है 2, जिसका मतलब यहाँ आ जाएगा 2, और आई के अंदर स्टोर क्या है? 6। कंडीशन जो है ये 2*6 इज इक्वल टू 12, ये आ जाएगी पहली दफा। उसके बाद आई में एक और ऐड हो गया, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। 7 10 से कम है? बिल्कुल कम है। इसका मतलब दोबारा ये लूप के अंदर चला जाएगा। लूप के अंदर जाने के बाद 2*7 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। फिर जिस 14 लाइन पे आएंगे तो 7+1 8 हो जाएगा। 8 जो है वो फिर 10 से कम है, फिर ये इसके अंदर चला जाएगा। इस तरह करेंगे और इस तरह करने से ये जस्ट 4 दफा जो है ना ये रन करेगा प्रोग्राम, 5 दफा रन किया, क्योंकि एक दफा तो वो रन करता ही कंडीशन बाद में देखता है। तो जिस वक्त इसकी 6 थी, ये एक दफा चला और उसने ये वाली पहली लाइन प्रिंट कर दी, उसके बाद आई की वैल्यू होगी 7। 7 वाली जो थी वो कंडीशन ठीक थी, तो फिर ये इसके अंदर दोबारा गया, उसके बाद उसने दूसरी लाइन प्रिंट की और आई की वैल्यू हुई 10। फिर जनाब 8 होगी, आई की वैल्यू 8 होगी, 8 फिर 10 से कम था, दोबारा ये इसके अंदर गया, इसके अंदर जाके नहीं, बाद इसने ये थर्ड लाइन प्रिंट कर दी। थर्ड लाइन प्रिंट करने के बाद इसकी आई की वैल्यू होगी 9, फिर 10 से कम है, बात सही है, फिर अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वो इंटू 18 वाली, ठीक है। उसके बाद इसकी आई की वैल्यू हुई 10 जो है वो इक्वल है 10 के, इसलिए कंडीशन फिर ठीक है, फिर अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने ये प्रिंट किया 2 आई की जगह वो हो चुका 10, तो ये 20। ये प्रिंट करने के बाद फिर ये आया इस 14 लाइन पे, तो आई की वैल्यू अब होगी 10+1 11। फिर वो इसके अंदर आया, इसके अंदर जैसे ही आया तो आई ये 11 जो है वो 10 से कम नहीं है, कंडीशन गलत हुई। जैसे ही गलत हुई अब जनाब ये लूप से बाहर निकल के इधर मेन में आया, और मेन में आने के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। समझ आई कुछ? तो अब अगर मैं इसकी जगह आई की जगह 5 लिखूं, ये कितनी दफा रन करेगा? ये 6 टाइम्स करेगा। 111 111 आपसे क्वेश्चन है मेरा, 111 आपसे मेरा क्वेश्चन है, कितनी दफा प्रिंट होगा आई की जगह 5 हो अगर, फिर ये कितनी दफा प्रिंट होगा? पिछली दफा 6 था तो 5 दफा हुआ था, अब ये अगर 5 है तो ये कितनी दफा प्रिंट हो जाएगा? 111 आपसे क्वेश्चन है मेरा। सॉरी सर समझ नहीं आई। समझ नहीं आई तो होना ही चाहिए कि आप लैपटॉप लेके मेरे पास आए ऑफिस में, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आ सकते हैं आप?
लैपटॉप है नहीं सर। लैपटॉप ले लेना, पूरी समझ आएगी, ऐसे तो नहीं आएगी। अगर लैपटॉप नहीं है तो समझ आएगी। ये तो मैंने बहुत पहले कहा था सीआर, शायद याद है आपको मैंने कब कहा था। बहरहाल बेटा, अगर ये कंडीशन थी सिक्स तो पांच दफा रन किया, अगर मैं यहाँ फाइव लिखता हूँ ये छह दफा रन करेगा, कितने दफा रन करेगा? छह दफा। फाइव से स्टार्ट होके टेन तक ये देख लेंगे, छह दफा रन करेगा, ठीक हो गया? ठीक है सर। बहरहाल आई नॉर्मली हम इनिशियलाइज करते हैं वन से, वन से अगर इनिशियलाइज करते हैं तो फिर हमारे पास ये कितने दफा चलेगा, अगर वन का टेबल करूं मैं फिर कितने दफा होगा? अच्छा ये मैंने क्योंकि कंपाइल नहीं किया था इस वजह से ये हुआ है, मैं इसको कंपाइल करके फिर रन करता हूँ जी। अब रन करूँगा तो ये टेन टाइम्स, ये भी अपडेट शायद नहीं हुआ, मेरा लैपटॉप भी थोड़ा स्लो है ना। अच्छा ये हुआ बैठा है ना इस वजह से, इस वजह से अब सही है। यस, नाउ इट इज टू, ठीक हो गया। तो वन का टेबल टेन टाइम हो गया। तो अगर आपसे वेरिएबल पूछा जाए कि यूजर ने बताने नंबर, तो ये जो प्रोग्राम बना हो यही ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रिंट द टेबल ऑफ टू बाय यूजिंग फॉर लूप, तो आप फॉर लूप लगाते हुए लेकिन वैल्यू फिर खुद डालेंगे, वेरिएबल डिफाइन किए बगैर डालने से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये वाला प्रोग्राम भी लिख देता है तो उसको फिर नीचे मेंशन करना चाहिए यूजर शुड एंटर टू, फिर ठीक होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये मैंने जितना भी बताया था ये आपके सी प्लस प्लस में इंटरेस्ट बॉयल करने के लिए ये बड़ा अच्छा लेक्चर था ये वाला, क्योंकि यहाँ से मैंने ना थोड़ा वो किया था। अच्छा दूसरा ये कि मैंने आपको बताते हुए फील किया है आपके प्रोग्राम, आपके डिपार्टमेंट ने जो कोर्स कंटेंट बनाए हैं वो सही नहीं बनाए, आपके डिपार्टमेंट ने जो बुक कहा गया है कि डिटेल एंड डिटेल से पढ़ाएं वो मेरा ख्याल है उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी, तवालत बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वेरी लेंथी, और स्टूडेंट के लिए ऐसी बुक पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर शाम सीरीज को अगर वो लेके चलें तो बहुत अच्छा होता। बहरहाल आप लोगों का डिपार्टमेंट है, आपकी यूएस है, पर मेरी नज़र में ये थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए, थोड़ा इसकी चीज़ें कम करनी चाहिए, जैसे पॉइंटर्स यूनियंस उस लेवल पे वो लेके जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल फिजिक्स के स्टूडेंट को इस लेवल तक जाना चाहिए, वो भी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्राम वाले सब्जेक्ट में जिसका नाम इंट्रोडक्शन है। हाँ थोड़ा एडवांस लेवल का होता या ये कि उसकी डिग्री ही थ्रू आउट सी कंप्यूटर साइंस में होती उसके लिए ठीक है आप ये लिखें, अदरवाइज मतलब बहुत ज़्यादा तवालत है, बहुत ज़्यादा तवालत है। अगर मैं आपको थोड़ा शो कराऊँ आपका क्या कहते हैं ये वाला कंप्यूटर प्रोग्राम, ये बहुत ज़्यादा है और ये सिलेबस में कम्प्लीट ही करा सका, इसलिए मैं बाद में वीडियो डाल दूंगा किसी का इंटरेस्ट है वो देख सके एग्जाम में। आपको वो चीज़ें ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, मतलब अब वो कहता है कि इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, अबाउट सी, सी यूनिक्स, कॉमन सी, ऑन सी, सी क्विक ओवरव्यू ऑफ सी, सेटिंग ऑफ इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट। मेरा नहीं ख्याल ये मतलब सही लिखा गया है। फाइल यूज इन सी प्रोग्राम, यूज आई डी, बेसिक स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम। अब यहाँ से एक बात सही है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन रनिंग दी प्रोग्राम ठीक है, वाइड स्पेस ये मैंने बताया, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट डायरेक्टिव प्रीफिक्स डायरेक्टिव हेडर फाइल्स एस्केप सीक्वेंस ये मैंने बताया, लेकिन ये इतनी डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं थी, जस्ट उसको मतलब वो लिख देते कि हाउ टू रन अ फर्स्ट प्रोग्राम या बेसिक प्रोग्राम, ये बस ये लिख देते उसके अंदर ये चीज़ें खुद ही आ जाएंगी। फिर वेरिएबल, बिल्कुल वेरिएबल बताना चाहिए, वेरिएबल नेम्स ये मैंने बताए हैं कैसे, कॉन्स्टेंट कमेंट्स टाइप्स, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स, डाटा टाइप्स। अच्छा ये डाटा टाइप देर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, अब ये इन्होंने कहा तो है कि ये पढ़ाएं, लेकिन जिस बुक को इन्होंने कहा कि फॉलो करनी है बुक उन्होंने की है ये वाली, तो इस बुक में ये डाटा टाइप का सही नहीं बताया हुआ, ये शाम से नहीं ठीक बताया। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी ये आती हैं ये लूप्स, मैंने आज करा दी हैं लूप्स, ये लूप मैंने आज करा दिया। अच्छा लूप के अंदर एक और लूप आ जाए, लूप के अंदर एक और लूप हो, ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर फर्ज करो
इसके अंदर एक और मैं यानी फॉर लूप में जाता हूँ, मैं इसके अंदर एक और मैं फॉर लूप लगा दूँ, यानी यहाँ एक और मैं फॉर लूप लगा दूँ और इतना करके मैं एक और लूप लगा दूँ, सॉरी जी फॉर लूप, अगर मैं एक और ये लगा दूँ तो फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप जो होता है ना वो कहलाता है नेस्टेड लूप, और वो कितनी दफ़ा चलेगा अगर इसकी कंडीशन भी आई से फाइव है और ये भी आई से फाइव तक हो तो ये 25 टाइम्स चलेगा, ठीक है ना, यानी 25 लाइनें होंगी उसकी, तो इसे कहते हैं नेस्टेड लूप। यार ये जस्ट मैंने ये बताना था कि ये एक चीज़ होती है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना एप्लीकेशन के मुताबिक उसमें आपको नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा उसके बाद फिर है जी डू वाइल वगैरह, ये मैंने बता दिया, डिसीजन सिंटैक्स फ्लो चार्ट, इफ एल्स तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको मेड से पहले, सिर्फ फाइनल में मेड वाला भी सारा इंक्लूड होगा ना? जी सारा इंक्लूड है, सारा इंक्लूड है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आपके सब्जेक्ट में मैंने बाद में पढ़ाया ही वो थोड़ा तो इसमें इंक्लूड है, पिछले वाला इंक्लूड है जी। पेपर चेक हो गया हमारे मिड वाले? नहीं बेटा। अच्छा ये इफ एल्स मैंने बता दिया, कंडीशनल वही इफ एल्स गो गो टू, वैसे गो टू पहले की जाती है लेकिन इसको डिस्क्रीज किया जाता है, मैं आपकी बुक में ही पढ़ रहा था। अच्छा ये जो है टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिल्कुल यूजर डिफाइन कर सकता है। अच्छा इसके बाद ये ओवरलोडिंग फंक्शन का है ये मुझे खुद नहीं पता, मैक्रोज का मुझे कोई आइडिया नहीं, हेडर फाइल मैंने आपको बता दी है एक एक प्रोग्राम यूजर की। उसके बाद फिर जो है वेरिएबल्स लोकल स्टैटिक ये मुझे आइडिया है, ये शायद किसी लाइक में बता दूँ। फिर रेज, रेज जो है ये टॉपिक मैंने इंशाल्लाह आपको अपलोड करना है रेज पे, बाकी इसी इनिशियलाइजेशन ये सारी चीज़ें और आएगा आपका क्लास पे मैंने बता दिया है रेज, रेज के अलावा एक चीज़ और थी जो मैंने बतानी है आपको और वो है फंक्शंस, फंक्शंस फंक्शंस और बताने हैं क्लास में बता चुका हूँ, फंक्शन और रेज यानी ये मैंने दो चीज़ें लाजमी बतानी हैं। तो अच्छा ये जो कहें यूनियन पॉइंटर फाइल्स ये मेरा है ना बहुत इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर ये आपके बहुत इसमें गलती की है, ये सही नहीं बनाए कोर्स कंटेंट, तो मेरे ख्याल पे ये फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए मेरा हाल बहुत मुश्किल है, तो कोई सेकेंड इसका कोर्स हो ना फिर उसमें शायद हम कुछ इंट्रोडक्शन दे दें जिसमें बच्चे ने पहले पढ़ लिया हो कि सिंटैक्स क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, किस लूप वगैरह क्या होते हैं, उसके बाद वाले जो स्कोर्स है उसमें चलो ठीक है ये कर लेते हैं, वरना जो सी अगर फर्स्ट तो कंप्यूटर साइंस का कोई टीचर आके आपको पढ़ाता वो ये चीज़ें पढ़ा देता आपको लेकिन पल्ले आपकी शायद मुश्किल ही पड़ती है टू मच प्लान थी। अच्छा ये चीज़ करने के बाद ये मैंने आपको तीनों फॉर लूप बता, तीनों लूप का मैंने बता दिया। अच्छा इस लूप में मैंने फर्दर यहाँ ये ब्रैकेट डाली थी लेकिन ये ब्रैकेट मैं नहीं भी डालता, ये ब्रैकेट अगर मैं नहीं डालता तो मैं इस तरह कर देता हूँ, इसमें सेवन इंटर किया हुआ है इस वजह से ये कर रहा है। अच्छा इसको अगर मैं दोबारा उसी हालत में ले जाऊं कमेंट को ख़त्म करके, अब क्या है ए को वो आउटपुट लेगा तो यहाँ मैं सेवन की जगह लिखूंगा ए, इसकी जगह भी आ जाएगा ए, अब मेरा हाल से बेहतर है, इसको मैं क्लोज करता हूँ विंडो को, इसको क्लोज करने के बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद इसको रन करता हूँ, ये भी सीखा कंपाइल हुआ है, अच्छा सॉरी ऊपर ए मैंने डिफाइन ही नहीं किया हुआ, एक को मैंने डिफाइन करना है तो इसमें कोमा लिखना है फिर ए लिखना है, अब आई थिंक इट विल वर्क, यस वार्निंग जीरो एरर जीरो। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो वो टू का टेबल अगर प्रिंट करना है टू लिखता हूँ तो ये फाइव टाइम्स प्रिंट हो गया, और अगर मैं फाइव की जगह लिख देता हूँ टेन तो टेन टाइम्स हो जाएगा,
38 आई थिंक कितने टाइम पॉइंट होगा 10 टाइम्स और ये 1 से 10 तक जाएगा और यही हमारा मकसूद था। ये प्रोग्राम मैं चाह रहा हूँ कि आप ये तीन प्रोग्राम अच्छी तरह समझ लें। अच्छा बेटा अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने ट्यूटोरियल करना है, ट्यूटोरियल उसके लिए लॉजिक क्या चेंज होगी? ट्यूटोरियल तो क्या हाल अभी तो बिल्कुल यही समझ नहीं आएगा। ठीक है आप इतना ही रखें याद आ गया कि आपके स्टूडेंट के पास जवाब ही नहीं है, आप इतना ही रखें। लेकिन मतलब इस किस्म की बड़ी बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए जा सकते हैं। इस तरह एक ट्यूटोरियल है, पावर का फंक्शन है वो बना लें, स्क्वायर रूट का बना दें, या कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है कोई पॉलीनोमियल उसके प्रोग्राम बना दें। इस तरह छोटे छोटे काफ़ी सारी चीज़ें दी जा सकती हैं जिससे ये पता चल सकता है, बड़ा अच्छा वैल्यूएट हो सकता है कि मैंने जो पढ़ाया है वो बच्चे को समझ आया या नहीं आया। तो लेकिन अभी आपके लिए ये बस टेबल तक रहें। अगर लेकिन अगर आपका जहन चलता है तो अपने तौर पर आप करना चाहें तो ट्यूटोरियल का, पावर का और इस किस्म के जो है वो चीज़ें कर लीजिएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? पेपर पैटर्न बता दें। पांच प्रोग्राम है बेटा, पांच के पांच जो है ना प्रोग्राम वो करने हैं। सर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह नहीं होंगे? जी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह नहीं होंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, पांच क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का एक है तो पांच ही प्रोग्राम आपने लिखने हैं। उसमें मिड वाला शामिल है और ये मिड के बाद वाले दो प्रोग्राम मैंने लिंक कराए थे और अभी ये तीन ये मैंने करा दिए हैं, फॉर से, वाइल से और लेकिन दोबारा बता दें, तीन तो ये आज पढ़ा ना जो थ्री लूप्स हैं, दो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे याद है आपके? जी सर वो एक तो हेडर फाइल बनाने का भी एक प्रोग्राम था पिछले लेक्चर में याद होगा आपको। यस सर, तो मैंने आप लोगों को परफॉर्मा फिल करवाया था। यस सर, उस लेक्चर में। यस सर, चलो सर ये सिर्फ पांच प्रोग्राम था ना? नहीं मिड वाले सारे हैं। जी मिड वाले सारे हैं, मिड वाले सारे हैं। तो ये कोई 10-11 प्रोग्राम बन जाते हैं। बहरहाल पेपर इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको लॉजिक समझ आती है, सिंटैक्स का पता है तो आप याद कर लेंगे। अच्छा बेटा अगर कोई बच्चा यहाँ ऐसे देखता है, ऐसे ये देख रहे हैं तब क्या हुआ, ये सेमी कॉलन आ गया। ठीक है ये रन हो गया, लेकिन एक ये प्रोग्राम है ये वाला, इसमें कोई बच्चा यहाँ ये देखें ये सेमी कॉलन है, इधर सेमी कॉलन कोई नहीं डालता तो फिर ये क्या कर रहा है? एरर दे रहा है। देखिए तो अगर आपका यहाँ सेमी कॉलन आना चाहिए था, आप हार्ड में लिख रहे हैं और किसी बच्चे ने यहाँ सेमी कॉलन नहीं डाला तो बेटा आपके 2 मार्क्स गए, 2 या 3 मार्क्स गए 10 में से। तो इसलिए मैंने थोड़ा कराया है, लेकिन आप जो है ना इसको बड़ा क्लीनली देखिएगा, सिंटैक्स एरर ना आए आपका, क्योंकि बेसिकली मैंने यहाँ पढ़ाना था सिंटैक्स, मतलब बेसिक में तो सिंटैक्स ही समझाते हैं ना। ठीक है रन कर दिया। इसी तरह वाइल वाले में यहाँ अगर हम लिखते हैं कंपाइल हो गया तो ये एरर नहीं है, तो ये जरा जहन में रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, ये बात समझ आ गई बेटा आपको? जी सर आ गई। अच्छा अब जरा मैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा बताना था मैटलैब का भी। मैटलैब बेटा ये होती है, ये देखें ये मैटलैब है, इसमें आप अपनी मर्जी से डिफाइन, ये बड़ी आसान होती है। जैसे मैंने इसमें ए को डिफाइन कर सकता हूँ 4 को, ये आउटपुट आ गई 4। ठीक है अगर मैं इसी ए के सामने अगर ये लिख लेती हूँ
सेमी कॉलन डाल दिया मैंने, इससे क्या होगा आउटपुट सप्रेस हो जाएगी, आउटपुट शो नहीं होगी। यानी अगर आप देखते हैं ये देखें, क्लियर कमांड नहीं करना, क्लियर वर्क, ये देखें वर्क स्पेस में ए के अंदर क्या स्टोर है, फाइव। लेकिन अगर मैं वर्क स्पेस को क्लियर कर देता हूँ, क्लियर करने के बाद आप देखें यहाँ कुछ भी नहीं है, और जब मैं इसको एंटर करता हूँ ए इज इक्वल टू फाइव सेमी कॉलन, तो यहाँ आउटपुट मुझे नहीं शो होगी जिस विंडो में मैं हूँ, यहाँ अलबत्त आ जाएगी। इसको आगे कहीं यूज करना हो तो आप कर सकते हैं। इसका एक और मजे की चीज ये है मैटलैब की, कि अगर मैंने फर्ज करें मैं फर्ज करो ए को इस तरह डिफाइन करता हूँ, वन टू थ्री सेमी कॉलन, सेमी कॉलन का इसमें सेमी कॉलन मतलब ये कि ये अगली लाइन पे चला जाएगा, फोर फाइव सिक्स ए सेमी कॉलन। आई थिंक मेरे कीबोर्ड में इशू है, तो मैं यहाँ जाता हूँ, जी मैंने अभी लिखना है एट, एट हो गया, उसके बाद मैंने लिखना है नाइन, नाइन हो गया। इसके बाद मैं इस ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, स्केयर ब्रैकेट, वो ये यहाँ से बंद होगी। इसके बाद मैं जब इसको एंटर करता हूँ तो ये मैट्रिक्स लिखी गई, इसमें ये रो थी, ये दूसरी रो बन गई, ये तीसरी रो बन गई। अब इसका मैंने फर्स्ट गोल ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज के लिए लेट्स सपोज मैं बी, बी इज इक्वल टू जी, ट्रांसपोज आ गया इसका जी सर। तो ये बहुत जबरदस्त किस्म की लैंग्वेज है, इस तरह बड़ी मशहूर मारूफ एक इक्वेशन होती है जी। मुझे सिंटेक्स थोड़ा भूला हुआ है, पहले ये आएगी आई थिंक, हाँ 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 सही है, सही आ गया है, क्वेश्चन और क्यू वेरिएबल, क्वेश्चन जो है वो आ जाएगी लेट्स सपोज एक्स की पावर, ये पावर का बटन है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो कॉमा, अब मैंने क्या लिखना है वेरिएबल क्या है x, ब्रैकेट बंद, लेकिन उससे पहले मुझे वो लिखना है ये वाला, अब मैंने क्या करना है ब्रैकेट मैंने क्लोज करनी है, तो उसके लिए शिफ्ट दबाऊंगा मैं, ब्रैकेट सॉरी ये वाली ब्रैकेट नहीं दूसरी थी। ये मैंने एक्स लिखना चाहिए था, वेरिएबल जी लिख दिया, ठीक है अब ठीक है। देखिए ये बिजी हो गया है, शायद कोई सिंटैक्स मुझे नहीं समझ आ रहा। बहरहाल इससे ना बड़ी बड़ी पॉलीनोमियल इक्वेशंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसकी आप यहाँ हेल्प में जाएं मैटलैब की, और आप यहाँ से क्लियर वर्कस्पेस होती है, यहाँ से क्लियर कमांड होती है, करना चाहें कर सकते हैं। और तो इस पे पीएचडी भी हो रही है, बेशुमार पीएचडी हो रही हैं, इसी हेल्प में जाके आप यहाँ देख सकते हैं।
सिंबॉलिक एक्सप्रेशन मैंने डिफाइन नहीं किया था, यस यस यस, ये पहले मुझे सिंबॉलिक एक्सप्रेशन करना चाहिए था। बहरहाल ये अगर फर्स्ट मैं कॉपी करके यहाँ अगर पेस्ट कर देता हूँ जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, इसको अगर मैं इंटर करता हूँ तो ये आपको दे दिया सर। अब साइन की वन वैल्यू किस पे होती है, पाई बाई टू, 90 पे होती है ना, तो ये इसने पाई बाई टू आंसर दे दिया मुझे। तो इस तरह कोई नंबर ऑफ इक्वेशंस हो, कुछ भी हो, आप कर सकते हैं। तो मेरा मतलब हाइब्रिड व्हीकल की तरफ काम था, उसका मैंने जो कोडिंग की है वो सारी मैंने मैटलैब में की है। तो जैसे मैटलैब की लैंग्वेज है, इसी तरह पाइथन की लैंग्वेज है जो मैंने पढ़ाना था, लेकिन टाइम शॉर्टेज की वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला उसको करने का। मैंने खुद वो सीखनी है लैंग्वेज, तो वो बड़ी पॉपुलर है आज के दौर में। अगर किसी स्टूडेंट्स का ये माइंड है कि वो इस तरफ जाके अपना करियर लेके जाना चाहिए, खासतौर पर वो फॉरेन कंट्रीज में यूरोप साइड पे काम करना चाह रहा है, तो उसके लिए बड़े सुनहरे मौके हैं। वो उसमें थोड़ी सी पाइथन में अपनी स्किल करे और वो डिजिटल सिस्टम इन हो तो बहुत बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है। जो यहाँ मेरी महीने की सैलरी है, वहाँ वो जाना 7-8 दिनों में से ज़्यादा कमा सकता है अगर उसके पास ये स्किल हो पाइथन की। इसी वजह से आपके डिपार्टमेंट ने नहीं कहा था, लेकिन मैंने अपने तौर पर जो है ना पाइथन को इंक्लूड किया था बताने के लिए। ये देख लें आप, और से मैंने थोड़ा सा इसमें लिखा था यूजिंग मैटलैब या पाइथन, मतलब जो हम अब प्रॉब्लम करेंगे चीज़ें करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी अभी यही चीज़ें कम्प्लीट नहीं हो सकी तो मैं उस तरफ जा नहीं सका। मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें से अब बात यह है कि जब मैटलैब इतनी अच्छी है तो हम सी प्लस प्लस क्यों करते हैं। तो बात यह है कि जो मैटलैब है इसका सेटअप जो है ये कम अज कम 14 GB का है जो मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। उसके लिए कंप्यूटर या मशीनरी भी इसी तरह थोड़ी सी हैवी चाहिए होती है। जो सी प्लस प्लस है उसका मेरे ख्याल से चंद MBs में सेटअप था आई थिंक, और मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया था उसका। तो जो चीज़ जितनी कम साइज में लेके एफिशिएंट काम कर सके, दुनिया उसको एफिशिएंट समझती है और प्रोग्रामिंग की दुनिया में बहुत एफिशिएंट होता है। इस वजह से सी प्लस प्लस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अच्छा पाइथन, लेकिन सी प्लस में मसला क्या है कि इसका एक स्पेशलाइज्ड सिंटैक्स होता है, बंदे को उसमें बड़ा स्पेशल होना चाहिए। जैसे यहाँ तो इक्वेशन लिखा है, ये पढ़ के भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है, कमेंट नहीं भी लिखे तब भी मुझे आइडिया हो रहा है इसमें किस तरह ये चीज़ें लेके चलना है। तो मैटलैब का फायदा क्या है, यूज़र फ्रेंडली है, इसकी प्रोग्रामिंग यूज़र फ्रेंडली है, चीज़ें हैं, लेकिन नुकसान क्या है कि इसका सेटअप बहुत हैवी है, मशीन या कंप्यूटर थोड़ा सा हैवी चाहिए आपको रन करने के लिए। सी प्लस प्लस के क्या फ़ायदे हैं, उसके फायदे ये हैं कि वो बहुत छोटा सेटअप है, सॉफ्टवेयर है, और आप छोटे बेसिक बेसिक चीज़ें उसमें बना के जो है ना बहुत बड़ी बड़े जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं उनके पीछे बेसिकली सी प्लस प्लस या जावास्क्रिप्ट या क्या कहते हैं कौन सी लैंग्वेज और होती है, पता नहीं रिएक्ट होती है कौन सी, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन मुख्तलिफ जो लैंग्वेज है उस पर बड़ा बहुत बहुत काम हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, पाइथन बताते खुद उसमें बहुत हो रहा है, तो उनका ये फायदा है। हाँ अगर आप सिर्फ फिजिक्स या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप प्रोग्रामिंग में बहुत नहीं जानते लेकिन अपना काम करना चाह रहे हैं, तो मैटलैब इज़ वेरी गुड। और मैटलैब में सिर्फ यही नहीं है, इसमें अगर आप फर्ज करो फर्दर इधर जाएँ यहाँ से आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। और ये जी ये सिम्यूलिंक में जाएं, मैटलैब के अंदर ये सिम्यूलिंक में जाएं, ये एक अलग जहान है। पहले इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मुतलिक बेशुमार चीज़ें थी, सिग्नल है, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और इंडक्टर वगैरह ये चीज़ें थी, लेकिन अब इसके अंदर खासतौर पर 2015 के बाद से इसमें मैकेनिकल भी बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं, गियर्स हैं, इंजन हैं, ट्रांसमिशन की चीज़ें हैं, मतलब मैटलैब एक पूरी सारी चीज़ें इसके अंदर अब आई जा रही हैं और बहुत 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 ज़्यादा ये जो है ना वास्ट होती है। अगर किसी का इसमें इंटरेस्ट बनता है, फिजिक्स के बेशुमार प्रॉब्लम इसके अंदर हैं, फिजिक्स की चीज़ें हैं, लेकिन वो फिजिक्स ये लेवल नहीं जो हम इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, यहाँ तो एजुकेशन लेवल बहुत थोड़ा है। मेरे का मतलब ये वो फिजिक्स जो MIT में पढ़ाई जाती है, जो दुनिया की नंबर वन यूनिवर्सिटी है, उसमें जो फिजिक्स प्रॉब्लम है वो ये सिमुलिंग के अंदर कुछ कुछ चीज़ें वो सॉल्व करते हैं और उस लेवल। अच्छा ये टेस्ट देने के बाद आखिर में अब मैंने कंपैरिजन करना है मैटलैब का और पाइथन का। तो पाइथन में फ़ायदा ये है कि उसकी लैंग्वेज अगेन यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन इसका सेटअप अगर इसका 14 GB है, उसका सेटअप सिर्फ 0.5 GB है, 0.5 GB है, यानी 1 GB से कम है उसका सेटअप। तो अगेन उसमें मतलब दोनों फ़ायदे हैं,
यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज भी है प्लस ये कि वो भी है, और उसका सिंटैक्स और मैटलैब का सिंटैक्स तकरीबन इक्वल है, थोड़ा सा चेंज आता है। जिस मैं अपना प्रोग्राम बना रहा था तो मैं देख रहा था उसके पैरेलल उन्होंने पाइथन का भी कोड दिया हुआ था, बट एट दैट टाइम मैं पाइथन से ज़्यादा सिमिलर नहीं था, मैं पाइथन की साइड पर नहीं गया। लेकिन वो ये कहते हैं कंपटीशनली अगर आपने कोड अच्छा बनाना है, अच्छा रन करना है, तो पाइथन की तरफ कर रहे हैं। तो मैंने क्योंकि जस्ट अपने थीसिस के लिए काम करना था तो वो मेरा इसमें मैटलैब में हो गया था, लेकिन अगर उसमें मैंने फर्दर एडवांस जाना हो तो मुझे फिर पाइथन साइड पर जाना चाहिए, उसमें मतलब जो बग्स और फिक्स होते हैं वो नहीं आते। तो आज के इस लेक्चर के बाद हमारी ये फॉर्मली जो है ये चीज़ क्लोज हो गई है क्लास। तो बाकी जिन स्टूडेंट्स का परफॉर्मा फील नहीं है वो जब टाइम मिले मेरे ऑफिस में आके फील कर लें, या ये कि मुझसे टाइम में तो सी आर या जी आर या वो मुझसे वो लेके जाते, मैं वैसे ही कहूँगा वो फील कर लें तो बेहतर है। तो ये दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, सो आई थिंक Now we should thank you class for being patient audience और बहुत से